अस्सलाम वालेकुम भाइयों, तो अभी हम आए हैं टेक इंस्पेक्शन के लिए। मैं सीट पे बैठा हूं। ये सिर्फ बकेट है, खोल दूं यार? नहीं, स्टॉक ही है। ओ हां, स्टॉक ही रख। तो असल में सीन ये है कि आज फेस्टिवल ऑफ स्पीड के लिए गाड़ी की इंस्पेक्शन हो रही है। इंस्पेक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चले गाड़ी खुल तो नहीं जाएगी रास्ते में ऑटो क्रॉस पे। ये इधर स्टिकर लगा रहे हैं गाड़ियों पे इंस्पेक्शन के बाद। ये नई वाली मार्क एक्स भी आई हुई है, वो आया हुआ है ओसामा, जे डी एम शिंजो कहते हैं हम इसको, ठीक है। वो भी ऑटो क्रॉस में है। मरवत की गाड़ी भी ऑटो क्रॉस में है। हम लोग ड्रैग नहीं कर रहे क्योंकि हमारी गाड़ियाँ ड्रैग वाली नहीं है। वैसे तो ऑटो क्रॉस वाली भी नहीं है। मरवत ने ये लगाए हुए पीछे, ये कुछ अर्सा पहले स्लिक्स थे अब तो ये गज्जे टायर है। नहीं यार, ये स्लिक्स ही हैं। अच्छा। और ये बहुत ग्रिप कर रहे हैं, मेरे ब्रांड न्यू टायर से ये ज्यादा ग्रिप कर रहे हैं। और लेकिन बारिश में नहीं। सो बैड, बारिश में बिल्कुल भी नहीं। हम अगर ये नॉर्मल चला रहा है ना, नॉर्मल चला रहा हूँ ना, तो जब ये यू करता है ना नॉर्मल मुड़ने के लिए, गाड़ी पीछे से निकल जाती है। बहुत ज्यादा वो मैं वीडियो डाल, और ब्रेक भी नहीं मारती ना, मसला ये है। बस ये नॉर्मल क्रूज कर रहा हूँ मैं। लुक एट दैट, लुक, ये देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये देखो नॉर्मल क्रूज। ये देखो और ये ब्रेकिंग है। शेरोज खाली स्टिकर रहता तो मैं गाड़ी को बी स्टॉक में आ बी स्टॉक में जी बस ये तुम्हारी गाड़ी कौन सा उसमें आई है? क्या भी होनी स्टॉक बी स्टॉक माइट बी। हां बेहतरीन, क्या पता वो कहे डिफ्यूजर लगा हुआ है तो ये प्रिपेयर्ड में जाएगी नहीं। अच्छा, तो इंस्पेक्शन वगैरह हो गई है और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं। अब हम आएंगे कल ऑटो क्रॉस के लिए। अभी मौसम वगैरह फिट था तो ये उसामा भी अपनी गाड़ी की पिक्चर्स वगैरह ले रहा है, मैंने भी लगाई है, मरवत को भी बोला है लगाए, तो बस पिक्चर्स वगैरह लेके हम निकलेंगे और फिर आपसे कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ये हम निकल रहे थे और ये देखें जी, पूरे पूरे ट्रेलर आए हुए इवेंट के लिए। ये ना मुझे लगता है सबसे बड़ा इवेंट होना है ये, ठीक है। असल में बहुत अरसे बाद हो रहा है ना, तो इवेंट तो बड़ा होगा। बहुत सारे बॉयज आए हुए माशाल्लाह, ये देख भाई। तो आज सेकंड डे है फेस्टिवल ऑफ स्पीड का और अभी मैं आया हूँ मरवत के साथ। ओए स्टीयरिंग गियर, दिस इज A86 का। ओए गाड़ी कौन सी है? M2। अच्छा पुरानी M2 है जी। उसामा भी आया हुआ है, ओए साथ में टर्बो फाइल अपनी बलिनो लाया हुआ है। ओए M1800 आप आगे से देखा, आगे से देखो। ओ ओ भाई नेक्स्ट लेवल, कार्बन फाइबर अपॉर्टी के साथ। ये केवलर है ना, रीइंफोर्स्ड केवलर। ये कितना लगा ये भाई, मरवाद की गाड़ी पे नंबर लग गया। हमने बॉडी पे नहीं लगाया, मैं कहा ऐसे ना स्टिकर उतारते हुए रंग भी साथ उतर गया है। हम कोई दूसरी गाड़ी नहीं जाएगी हमारे पास, फिट नहीं होगा हमारे पास। एचपीआर के साथ पूरी वो है, बस उधर ही मैं वो उधर उतार। लाइनअप देखे वहां से स्टार्ट हो रहा है, ईवोज भी खड़ी हैं, एएमजीज भी। ये व्रूम सर्किट वाली गाड़ी है, वो ऐसे गार्डन फ्लावर नहीं है। वो RX-8 EVOS ओए e-tron, आगे से चेक करते हैं ना एक एक गाड़ी। e-tron GT देखो कैसे हो, ठीक है। अभी सारे अंदर जाने लगे हैं तो एंट्री स्टार्ट हो गई है और सब बॉयज जो है ना गाड़ियों में बैठ गए हैं। हम भी बैठ गए हैं X90 में, एसी लगाया हुआ है जी हमने। ओए होए रेस कार में, तो ये बता दें कि ठंडी हवा आने शुरू हुई है कि नहीं। ये चबाएगी तब बताना, अब आई है, उसे पहले जरूरत नहीं है। नाइस यार, मैं पहली बार देख रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, A1 शुक्र दा मुंग ट्रैक बने इतले शुक्र ना आ गाड़ी रवान दिया सीसी ने नो टेस्ट ड्राइव से मामा का। अभी हम सारा गाड़ी से वजन निकाल के ना सामने रखते हैं, तो सारा सामान ना गाड़ी से हम उठा के ना उधर रख देते।
सारा सामान हमने रख दिया बाहर। चले जी कह रहा हूँ, आखिर देखी ये ना और इस भाई गायब हो जाए ब्लॉग की तरह ये यहाँ से जी स्टार्टिंग लाइन है। मजा है इस बात का है कि फुल जो है ना स्पीडिंग 6 लेन, बट एक और मसला है क्योंकि ऑब्वियसली यार गाड़ी टायर गर्म करने की इजाजत नहीं हमें, तो टायर्स ठंडे होंगे और दिस इज द बाउंड्री। आपका रन ऑफ हो ना घास में मसला नहीं होता, अब सोचो आपसे इसमें गाड़ी निकल जाए और इस पे लग जाए एंड इसके बाद इसमें जाए, आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू एंड वेल। इसमें चल चेजर तो क्रॉस कर जाएगी, कूपन शूपन अंदर पड़ी हुई है। हाँ ये है, तो उसको फिर कैसे निकाल, चलो छोड़ो मिस करो। उसके अलावा वो ये उठा के ले जाते हैं अपनी गाड़ी के पास, ये सारा स्ट्रेट है। इधर जरा ट्रैक पे आ जाओ यार, ट्रैक पे आ जाओ। नहीं ये वो है कैमरामैन के लिए रखा हुआ जो ऑनलाइन अच्छा। स्ट्रीम करेंगे, हमारे लिए नहीं है। अच्छा हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए क्यों नहीं? ये सारा फुल पेस लेफ्ट राइट शकेन कहते हैं इसको, क्योंकि मैं गेम शेम्स खेलता रहा हूं ना, उसमें कहते हैं शकेन, लेफ्ट राइट शकेन। ठीक है ये थोड़ा सा नैरो है, आगे जाके फिर बताते हैं। तो हम फिर मांझी करते हुए जाएंगे मांझी क्या होता है? कोई वो टेले मारते हुए मेरे ख्याल से जानते हैं। नहीं टेले नहीं मारनी, आ जाओ ग्रिप भी दे। आई थिंक ओए उधर भी कौन है, सॉलिड ग्रिप उधर भी कौन है? हां नहीं ये तीनों लेनी जी, यहां से आपने सीधा जाना है एंड तक, वहां से उस तरफ जाना है और वहां से फिर उस लेन में जाना है, समझ रहे हो? नहीं समझे, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है ना, कोई 1.5-2 मिनट, बट एक और प्रॉब्लम है। वी आर होपिंग कि हमें 3 प्राइज मिल जाए, बट जो टाइमिंग चल रही है ना अभी और जितनी गाड़ियां हैं, हां वी विल ओनली गेट 2 रन्स, सो दैट्स अ बिट बैड। तो लेकिन है बहुत लंबा रास्ता, में ना रेस्ट एरिया पे रुकना पड़ेगा। बट ये आप देख रहे हैं कि हम इसको कैसे इशू इस के आप इतनी स्पीड मारो ना, आपको लगता है कि गाड़ी ओवरशूट हो जाएगी या अंडर स्टीयर हो जाएगी, बट ये ग्रैप ट्रैक इतना ग्रिपी है ना कि आप एंड में भी बचा सकते हैं, तो दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू काउंटर। अब ये लग ऐसे रहे कि यहाँ पे हमने ब्रेकिंग करनी है, नो ब्रेक जोन, लेट मी फुल स्पीड है। और ये जिनको इस जगह का नहीं पता, ये परेड ग्राउंड है जहाँ पे वो कौन से मार्च को होता है परेड, हाजी साहब ने पकड़ लिया। ठीक है मैंने इसलिए निकाला, मैंने कहा मरवत को पकड़ लिया हवा निकालते हुए, ठीक है चीटिंग कर रहे हैं ये। और सुनाए हाजी साहब क्या हाल है? बुरा हाल है, कल बारिश हो गई। हाँ मैं उठ पहन के आवा गर्मी और एक्साइटेड थे मौसम के लिए, उठ पहन लिया आज गर्मी हो गई है। मैं और मेहमान गाड़ी में बैठे हुए, मेहमान आया है जूस वूस लेके, ये इजरायली तो नहीं है, मेहमान आया है जूस वूस लेके मरी स्पार्कलेट मरी ब्रूवी की, और हम बैठे हुए जूस वूस पी रहे हैं। ड्राइवर्स गए थे अभी ब्रीफिंग पे ना, तो सारे ड्राइवर वगैरह वापस आ रहे हैं ब्रीफिंग के बाद, वहाँ पे ब्रीफिंग हुई थी वहाँ पे, तो मैंने क्या करना है ब्रीफिंग का, बस तो मैं इधर ही बैठा रहा। ये देखें वो कराची वाले वो सामस भाई आए हैं, वो टीबी है, सारे ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी कम्युनिटी के जाने पहचाने लोग हैं सारे आए हैं ऑलमोस्ट, यानी जिनको मैं जानता हूँ उनको तो मैं जानता ही हूँ ना, जिनको मैं नहीं जानता वो भी आए हैं, तो जाहिर सब मोड आ गया। अच्छा तो भाई हम स्पेक्टेटर्स वाली साइड पे आए हैं, मैं और मेवन, अभी हारिस खान गया हुआ है यार, ये भी हारिस खान है ना, ये फ्रंट व्हील हारिस खान गया हुआ है। असल में मैं ब्लॉग के स्टार्ट में अक्सर अपना नाम लेना भूल जाता हूँ, ये तकरीबन हर बार, तो मैं रेयर व्हील हारिस खान हूँ, वो फ्रंट व्हील हारिस खान है। किधर गया? इधर आए गए, स्टंट पे आए गए, इधर फुल स्पीड हम स्पीड हम इस तरफ आ गए क्योंकि इधर ना ऊपर शेड लगा हुआ है और उस तरफ बहुत धूप थी, तो हम इस तरफ आके बैठ गए, सुकून कर रहे हैं। भाइयों ये शाह चौधरी आ रहा है फुल स्पीड हम स्पीड, देखते हैं क्या टाइम है। 1:12 शुरू में व्हील स्पिन मारा, वो
वो होना है। ये देख ये आवाजें आप सुन रहे हैं, जब मरवत जाता है तो फिर पता लगता है। ओ नाइस, इसने एग्जॉस्ट खोला कि नहीं खोला? ये इस इवेंट की पहली तालियां थी मरवत की बारी। एचक्यू कीपर फिला वेरा किधर है? ये इस टाइम पे। ओह नाइस, जबरदस्त यार। ओह ये मोहम्मद जा रहा है। हां भाई ये मोहम्मद उमर जा रहा है, ये ट्रिप करेगा। हाउ इज इट? वालेकुम सलाम। ओह मोहम्मद उमर ना पूरा रास्ते ड्रिफ्ट करते हुए जा रहा है ना। स्टार्ट दे लग गया दीदी, लैप्स वही रिवर्स में कौन मारे? ओए रिवर्स एंट्री मारी है अभी उमर ने। उमर असल में इधर आया एंजॉय करने ना, उसको टाइम शाइम से मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ता है। वी लास्ट कैम उससे मिलते हैं, उससे पूछते हैं, बट मुझे जो लग रहा है इसकी ड्राइविंग स्टाइल से ये जान की गाड़ी को ड्रिफ्ट कर रहा है और क्राउड को मजा भी बहुत आ रहा है। ये देखो क्राउड इज एंजॉयिंग इट। सिर्फ ड्रिफ्टिंग की तालियां। फंसा है कौन अभी? इसहाक का रन था, कौन फंसा है? कौन टच हो गया? कौन टच पे 2 सेकंड की पेनल्टी है? कौन गाड़ी के नीचे ले गया? अच्छा कौन साथ ही लाया? वो कौन टच पे 2 सेकंड की पेनल्टी है, कौन साथ ले जाओ तो मेरे ख्याल से फिर फायदा नहीं है। तो इसहाक ने भी गाड़ी रोक की थी, उसने कहा फिर फायदा ही नहीं है, तो इसहाक रुक गया। क्या सीन है वो रन वगैरह का? कितने रन है तकरीबन? सबको 4-4 रन मिलेंगे। 4-4 रन मिलेंगे और एक घंटे के वो टाइम लैप्स है। अच्छा अच्छा, ये फिर बेस्ट सीन है। 4 रन है ना तो प्रैक्टिस होती जाएगी। और एवरेज निकलेगा कि बेस्ट लैप होगा कि आखिरी लैप? बेस्ट लैप कौन सा? अच्छा बेस्ट लैप होगा। चलो बेहतरीन, 4 रन है, 4 प्राइज है। अच्छा इंशाल्लाह हो जाएगा। ये अभी हम लोग बाहर आए हैं, इधर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं ना, तो हमने कहा कि कुछ खा लेते हैं। तो हमने बिरयानी का एक चम्मच लिया, तो मैं अंदर से जल गया हूँ एक चम्मच के बाद, तो बिरयानी मैंने छोड़ दी। आते हैं, ये साद भाई का सेकंड राउंड है। क्या टाइम है? 106. पिछली बार 105 मारा था क्या? 104 मारा था। इस बार ही वाज स्लोअर देन बिफोर, आई डोंट नो व्हाई। 105 मारा था। ओ बर्बाद गया, फुल लीथल जा रहा। कौन सा कौन मारा है? ये सामने यार, वो ना थोड़ा सा बाहर से अंदर आना है, तो मैं टेल पे ही था। मैनुअल को ना प्लस किक करो तो वो चेंज हो जाता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने थ्रॉटल बहुत छोड़ दिया था, बड़े वाज टू लेट। अब नवाज सेकंड हो गया, मैं थर्ड हो गया, बिकॉज ही हिट 102 एंड MR2 इज द फर्स्ट। हां ये MR2 जो आ रही है ना, इट्स द फास्टेस्ट इन इट्स लीग। फॉर सम रीजन इसहाक इज नॉट हियर, उसकी गाड़ी पार्क है, बट अभी हमारी कैटेगरी खत्म हो रही है। अच्छा तो पता नहीं क्यों नहीं आया। मैं तो लंच कर रही हूं, किया कि सॉरी लंच कर रही हूं। तो सीन ऐसा है कि इट्स ऑलमोस्ट ओवर, बी स्टॉक वगैरह बी प्रिपेयर्ड में पोजीशंस वगैरह आ गई हैं। तो इसहाक जो है सेकंड, वो एक MR2 थी वो फर्स्ट आई है। बाय द वे ये मैं समझ रहा था कि उमर जो है ना ही इज ऑल अबाउट ड्रिफ्टिंग अभी, और ये टाइम नहीं मारना चाह रहा, बट 104 इसने मारा है तो दैट्स वेरी नाइस। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोहम्मद उमर जो है ना वो टाइम मारेगा, आई थॉट कि वो ड्रिफ्ट वगैरह करेगा और जाने देगा, बिकॉज ही इज़ अ ड्रिफ्ट गाय। तो मैं कह टाइम नहीं मारेगा लेकिन, बट दैट्स गुड। बाय द वे हु डजंट नो, ये मोहम्मद उमर है, तो ये बैठा हुआ है। मरवत ने कोशिश की कि इसहाक से ज़्यादा अच्छा टाइम मार ले, लेकिन इसहाक ने ना इसहाक ने बेहतर टाइम मार लिया, वो बैठा हुआ है। इसने इसहाक का फोन सटने की कोशिश की बदला लेने के लिए, लेकिन हुआ नहीं। मुझे वो पोडियम भेज देना, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। आईफोन जितने पैसे अब जैज़ कैश पे नहीं आएंगे ना यार। इसहाक के सेकंड वाला सीन ठीक नहीं है यार। Yeah.
यार बस अभी हम निकल रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह लोड करके बस निकलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होने लगा, होने लगा तो फिर दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।